हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से। तो अब आज हम देखेंगे कि कौन कौन से जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को निकाला गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए बात करते हैं उस नोटिफिकेशन की। तो देखिए, जो पहला नोटिफिकेशन आया है वो है प्रिन अरुण राव कलोदे महाविद्यालय इंद्रप्रस्थ लेआउट ओमकार नगर रिंग रोड नागपुर से। तो यहाँ पे देखिए, तो नेम ऑफ सोसाइटी वो साइबर लोकेशवा संस्था नागपुर ओमकार नगर नागपुर से आया है। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट जो है वो मेंशन कर रखे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, मैथ, और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन की जा रखी है, और जो नेचर ऑफ पोस्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन किया जा रखा है, और जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पे मेंशन की जा रखी है, क्लियर नॉन ग्रांटेड, और जो वैकेंसी वो कौन सी कैटेगरी में वो भी यहाँ पे मेंशन किया जा रखा है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में एलिजिबल है आप उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं सेंसर क्वालिफिकेशन की। तो आपकी एलिजिबिलिटी ए या बी होनी चाहिए। तो ए एलिजिबिलिटी में आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल। साथ ही साथ जो है आपका नेट भी क्लियर होना चाहिए, और सेम पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप जो है केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका जो है यूजी सीएसआई नेट होना चाहिए केमिस्ट्री में, या आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होना चाहिए वो भी केमिस्ट्री सेम सब्जेक्ट में होना चाहिए। वही बात करें, अगर आप जो है पीएचडी आपने कर रखी है 2009 से पहले, आप 2009 से पहले आपने रजिस्टर किया है पीएचडी के लिए, तो आपको कोई भी नेट क्रैक करने का, या हम बोल सकते हैं जो नेट है वो जरूरी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पीएचडी जो है वो 2009 से पहले रजिस्टर किए तो आपका जो पीएचडी अवार्ड होना चाहिए रेगुलर बोर्ड में, और साथ ही साथ आपकी पीएचडी को थीसिस उसे एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेलुएट किया होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो पीएचडी उसका वाइवा वॉइस भी होना चाहिए, और अपने आप जो थेसिस से मिनिमम 2 रिसर्च पेपर जो है पब्लिश होने चाहिए आपके पीएचडी वर्क से, और साथ ही साथ आप जो है 2 पेपर जो है एटलीस्ट फ्रॉम योर पीएचडी वर्क यू हैव टू प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट से वो वैलिड है अगर आप 2009 से पहले आपने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन किया है। अब बात करते हैं दूसरा जो एलिजिबिलिटी है, अगर आपने पीएचडी जो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से की और आपकी यूनिवर्सिटी अगर टॉप 500 रैंकिंग में आती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो यहाँ पे 3 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मेंशन की रखी है, क्यूएस, टीएचई और एआरडब्ल्यूयू। तो इन तीनों रैंकिंग में अगर आपने जो पीएचडी की है और आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 500 में आ रही है, तो आप जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा 5% का, जैसा कि ऑलरेडी होता है कि एससी एसटी कास्ट से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या विजुअली डिफरेंसली एबल्ड हैं तब भी आपको यहाँ पे जो है 5% का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और यहाँ मेंशन किया, रिलैक्सेशन 5% भी प्रोवाइडेड फ्रॉम 55% टू 50% ऑफ द मार्क्स ऑफ द पीएचडी डिग्री होल्डर्स हु हैव ऑब्टेन्ड देयर मास्टर डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991। तो जिसने अपनी मास्टर डिग्री दी है वो 19 सितंबर 1991 से पहले अगर उसने कंप्लीट किया तो उन्हें भी 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो एप्लीकेशन है इसको आपको एक प्लेन पेपर पे या प्रिस्क्राइब फॉर्मअप पे अप्लाई करना है और सेंड कर देना है, ठीक है, डीन या डायरेक्टर ऑन द एड्रेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया रखा है, तो आपको 6 नवंबर से पहले जो है अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको पोस्टल ऑर्डर लगाना है 100 रुपीज का, जो कि मैंडेटरी है। अगर आप पोस्टल ऑर्डर नहीं लगाते तो आपका जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। तो देखिए, अपना आप जो भी परफॉर्मा या अपना जो भी सीवी या टेस्टिमोनियल से मार्कशीट या आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या नेट गेट का सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो आपको सेंड करना है प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर प्रिंसिपल अरुण राव कालोडे महाविद्यालय इंद्रप्रस्थ ले आओ। देखिए यहाँ पे एड्रेस दे वो मेंशन किया जा रखा है, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है पहुंच जाने चाहिए बिफोर 6 नवंबर 2020। अब हम बात कर लेते दूसरी यूनिवर्सिटी की। तो दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो है एसआरएम यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर सोनपेट। तो देखिए यहाँ पर भी जो है एलिजिबिलिटी, यहाँ पर भी जो है डिफरेंट डिफरेंट
जो जैसे कि फैकल्टी ऑफ लाइफ, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन इनवाइटेड है फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ के जो सब्जेक्ट वही मेंशन किए जा रखे हैं। और साथ ही साथ जो लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट के लिए भी जो वैकेशन है वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो लैब असिस्टेंट की देखते हैं, वैकेंसी है फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री होटल मैनेजमेंट। तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाली जा रखी है, अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।